मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है। क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे? अगर सिंधिया भाजपा में शामिल हो जाए तो क्या कमलनाथ सरकार गिर सकती है? ऐसा कई तमाम सवाल है जो देश प्रदेश के बड़े बड़े राजनेताओं की चिंता बढ़ाए हुए हैं और प्रदेश की जनता की निगाहें भी इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या कांग्रेस के कदावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल होकर कमलनाथ सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सोशल मीडिया में जो चर्चाएं चल रहे हैं वो वाकई हर किसी को हैरान कर देने वाली खबर है। इसकी आज हम समाचार एक्सप्रेस पर पूरी पड़ताल करेंगे। इससे पहले देखिए आप भोपाल से हमारे संवाददाता अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। तो मैं हूँ अमर वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। मेरी खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे, उसके लिए आपको देखना होगा मेरी खास रिपोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया में खूब चर्चा चल रहा है कि कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल होने वाले हैं, जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। तो वहीं भाजपा में थोड़ी खुशी थोड़ा गम का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से अलग नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने का समर्थन दिया। सिंधिया ने ट्विटर पर लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर किए गए फैसले का समर्थन करता हूं, साथ ही भारत में इसके पूर्ण एकीकरण का भी समर्थन करता हूं, लेकिन बेहतर होता कि अगर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया होता तब इस मामले पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। फिर भी यह हमारे देश के हित में है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी आपसी रंजिश की वजह से गुटों में बटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है तो दूसरा गुट ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी शामिल है। सूत्रों की माने तो दिग्विजय सिंह तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच विधानसभा चुनाव के बाद से ही काफी खींचातानी चल रही है। एक तरफ सिंधिया समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह फूटी आंख से भी ऐसा नहीं देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के लिए कमलनाथ का नाम घोषित होने पर सिंधिया खुद मायूस नजर आए। 17 दिसंबर को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें भी सिंधिया की एक ना चली। जब दिग्विजय सिंह के इशारे पर मंत्री पद का विस्तार हुआ, या फिर यूं कहें कि अंधा बांटे रेवड़ी और घर घर के खाए, जिससे सिंधिया समर्थक कई विधायक भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फूट पड़े। यहाँ तक कि बदनावर से निर्वाचित विधायक राजवर्धन सिंह की सिंधिया के खास करीबी माने जाते हैं को मंत्री पद नहीं मिलने से अपने कार्यकर्ताओं के बीच खुलेआम सिंधिया को इस्तीफा सौंपने का ऐलान कर डाला, जो मीडिया में खूब सुर्खियों में बना रहा। इससे भी सिंधिया काफी आहत हुए और दतिया गांव को कहा कि आई एम सॉरी। दूसरी तरफ विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के दो विधायक कमलनाथ सरकार में शामिल हो गए हैं, जिससे भाजपा भी तिलमिला गई है और वह भी अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सूत्रों की माने तो सिंधिया दिग्विजय सिंह से बहुत खफा हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने अंधा बनकर अपने अपने को रेवड़ी यानी कि मंत्री पद बांटकर प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसका फायदा उठाने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में बने हुए हैं। खैर, राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है कि कौन कब किसका हाथ थाम ले, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राजनीति में सब कुछ संभव है। अगर सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामते हैं तो मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाल कर्नाटक जैसे हो सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको दिखाया समाचार एक्सप्रेस की खास पड़ताल, जिसमें सोशल मीडिया में अफवाहें चल रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा अगर होता है तो कांग्रेस पार्टी में एक भूचाल आ सकता है और कर्नाटक की स्थिति बन सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मीनारा के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, भोपाल। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।